कारोबार हो रहा है भारतीय बाजारों में। अब आप देखिए 60 अंक ऊपर इसमें सेंसेक्स है, 12 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1/4% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसा कि हम कह भी रहे थे शो की शुरुआत में, ये अब बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में आ सकता है, वैसा अब आता हुआ भी आपको दिख रहा है। काफी सारे शेयर हैं जो अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हाई बीटा आज फ्लेवर ऑफ द डे है। लेकिन चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं। SBI की सब्सिडी SBI लाइफ इंश्योरेंस के तीसरी तिमाही के नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। करीब 43% इंक्रीज देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, और न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी हमने देखा है 25% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अरिजीत बसु जुड़ चुके हैं। अरिजीत, गुड आफ्टरनून, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। बताइए क्या हाईलाइट्स रही इस तिमाही की? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हमारे थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं दैट हैव बीन गुड, हम खुश है कि हमारे प्रॉफिट, हमारे न्यू बिजनेस प्रीमियम 25% बढ़ा है, हमारे रिन्यूअल प्रीमियम जिसमें भी हम वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वो भी 33% कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, हमारे परसिस्टेंसी रेशियो अच्छा है, तो हम खुश है और हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च हम इक्वली स्ट्रांगली फिनिश कर पाएंगे। जिस तरह से RBI ने अपना इस बार स्टेटस को मेंटेन रखा है पॉलिसी में, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी जानना जरूरी है, ये बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बजट के बाद एक ब्याज दरें तुरंत प्रभाव से घटती हुई नजर आएंगी, या फिर गवर्नर साहब बजट के बाद पॉलिसी के दिन ही अपनी ब्याज दरें घटाएंगे? पॉलिसी के बाहर भी ये फैसला लिया जा सकता है क्या? जी, एक्चुअली इस बार रिपो रेट में उतना कट उम्मीद नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि जनवरी 15 के आसपास RBI ने एक रेट कट किया था, और इस बार RBI ने SLR में 50 बेसिस पॉइंट्स कट किए हैं, वो जो बैंक्स के लिए लिक्विडिटी के लिए वो काफी ठीक रहेगा। और गवर्नर साहब कल बताए हैं वेरी क्लियरली कि दो चीज देखना है रेट कट या कुछ भी मॉनिटरी डिसीजन के लिए, कि फिस्कल फ्रंट में क्या होता है, और इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि बजट जो आएगा उसमें हमारा जो जो पैरामीटर्स है फिस्कल डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट क्या रहेगा, और ग्रोथ के लिए क्या क्या इंसेंटिव सरकार देंगे जिसमें काफी उम्मीद किया जा रहा है, तो इस ये सब देखने के बाद RBI एक डिसीजन लेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट एनालिस्ट और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि ओवर 2015 कुछ रेट कट होगा। कब होगा ये डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट्स या लगभग और भी हो सकता है, लेकिन स्प्रेड आउट ओवर द ईयर 2015। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए बसु साहब, और आज नतीजों पर और RBI की पॉलिसी पर टिप्पणी करने के लिए। वो खाड़ के नतीजे इस बीच आ चुके हैं, और आप देखिए मुनाफा 347 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने पेश किया है 304 करोड़ रुपए के सामने, और अगर आप टोटल इनकम देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये भी बड़ी है, 1236 करोड़ रुपए से बढ़कर 1382 करोड़ रुपीज़ रही है। कंसोलिडेटेड EBITDA देखिए।